ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਹੋ ਚੋਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਬੰਦੇ ਪੈਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਬਾਈ ਉਸ ਕੋ ਵਹਾਂ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ सो हेलो जी, हेलो, स्वागत है आपका आज के नई ब्लॉग वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अदिति शर्मा। आज वीडियो में हमें ज्वाइन किया है हमारे भाई लाडी ने। तो आज है दशहरा। सबसे पहले आपको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त हमें है दुर्गैड़ा मंदिर में, यहाँ से बिल्कुल पास है दशहरा ग्राउंड, जहाँ अमृतसर का सबसे बड़ा दशहरा मनाया जाता है। तो अभी हम मेले का थोड़ा इंजॉय करके मंदिर के अंदर माथा टेक, देन जाएंगे दशहरा ग्राउंड, आपको दिखाएंगे वहाँ पे। आज काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो जय अभी हम वानर सेना के साथ जा रहे हैं अंदर मत्था टेकने के लिए। अभी इस वक्त हम हैं अमृतसर के दशहरा ग्राउंड में। भाई रश काफी ज्यादा है यहाँ पे, काफी ज्यादा। मामला काफी गर्म चल रहा है यहाँ पे भाई। रावण रावण कौन है गाइना जो आने वाले अक्षय कुमार है, रावण है और कौन करने है? अच्छा अक्षय कुमार, सचिव अक्षय कुमार है। लाडी भाई यहाँ पे जगह ढूंढ सबसे पहले, यहाँ पे रश काफी ज्यादा है भाई। अगर वहाँ पे जगह मिल गई ना सोने पे सुहागा है भाई, बट वहाँ वो चढ़ने नहीं देंगे भाई। आ जाइए ऊपर, ऊपर आ जाइए। थैंक यू भाई। उन्होंने मना कर दिया, कहते नहीं ऊपर भाई अलाउड नहीं है, हमें अलाउड नहीं है, बाकी तो चढ़े ही हैं। सबको बेस्ट वो बंदे जो सत्ता चढ़े ही हैं। श्री राम। हम फाइनली यहाँ पे खड़े हुए हैं बिल्कुल तीन रावण के सामने, यहाँ पे लगी है स्टेज। अब यही भी खड़े हुए हैं उनका भी स्वागत है। अंकल जी मुझे ये बताओ, रावण के सच में गंगा गंगा था क्या? चार वेद का वो ज्ञाता था भाई। श्रीलंका साउथ इंडिया चली पूछने के लिए, साढ़े नॉर्थ इंडिया ला लो, इंडिया के काफी हिस्से हैं जिथे रावण की काफी ज्यादा करते हैं। कितने साल सीधा उन्होंने घर रही पर उन्होंने हाथ नहीं लगाया, मेन पॉइंट हाथ तक नहीं लगाया था उन्होंने, बट फिर भी एक गलती हुई उसके अंदर। मैं भी थी रावण के अंदर, अहंकार है ही, ज्ञाता है बहुत बड़ा ज्ञाता है। उन्होंने पूछा गया कि भाई दसो कोई गुण अपने सानू की उपदेश देंगे हो, उन्हें आख्या अपना काम कल देना छोड़ो। हाँ जी, जो गलत मैं तो मैं कहता रहा वहाँ यह करा यह करा किता नहीं, सब तो वही गलती साड़ी है कि आप कल से छोड़ दें, पर असल कल आता नहीं, बंदा चल जाता कल नहीं आता। काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर अच्छाइयाँ भी थी, उसने सही पाप किया, सीता माता को ले गया, उसी टाइम उसका अंत। तब से भाई इसको घूमते आ रहे हैं हर साल बड़े धूमधाम से।
जिंदगी भर सुखी रहा रावण, आज दशहरा मैदान में जल रहा है। जिंदगी भर रहे दुखी राम, आज मंदिर में पूज रहे हैं। आपका फैसला आपके हाथ, आपका निर्णय आपके हाथ में है। यदि आप अधर्म करके सुखी रहना चाहते हैं तो कृपया करके दशहरा मैदान चिन्हित करके जाना। काफ़ी बेनिफिट होता है अगर हम उसको पानी में डाल के नहाते हैं ना सुबह, तो भाई जितना भूत प्रेत बातें हैं वो सब दूर हो जाती हैं। ऐसा मानना है जी, कालू ज़्यादा काला टोना जादू टोना वो सब दूर हो जाता है भाई। वो ये रावण की अस्थियाँ भी लेकर आने की कोशिश करेंगे, बाकी अंदर जाने नहीं देंगे। अंकल जी रावण अस्थियाँ लैन चले नहीं जाए कदे लैनी है ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾ ਦੇਵੇ ਛੋੜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਅੰਕਲ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਮੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਿਓ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਚੱਲੇ ਆ ਅੰਕਲ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹ ਅੰਕਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖੰਭਾਂ ਲੈ ਜਿਓ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਥੋੜੀਆਂ ਵੱਧ ਲੈ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵੀ ਲੈ ਆਇਓ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਾਓ ਓਏ मैं रावण की अस्थियां नहीं मिली क्योंकि हम नंगे पांव हैं। हम नंगे पांव हमें रावण की अस्थियां नहीं मिली हैं। अगर अगर कोई लेके आ रहा है भाई हम उससे ले लेंगे ताकि हमें मिल सके। वही चाहिए काली वाली थोड़ी दे दे यार। काला जादू टोना तेरे उपर किता कराया जे सिर पानी बाल्टी च पा के नहा लेगा ना सब दूर हो जाएगा। रोज पता मरना लोगों का बाकी पता नहीं रास्ता देख रहे हो काफी ज्यादा कितने ज्यादा भीड़ है यहाँ पे लोग एक सीट से जा रहे हैं बड़ी मुश्किल से बाहर आए भाई काफी धक्का मुक्की से सोने मुक्कियाँ बच्चे भी नाल भाई मुझे ये समझ नहीं आती जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं लाइक एक साल दो साल उन वो बच्चे भी लेके आए थे भाई रावण दिखाने के लिए। धमाका इतना ज़्यादा होता कि बच्चों के कानों के पर्दे हिल जाते हैं। बाकी महाराज की कृपा जय श्री राम। डेगियाँ भेड़ भेड़ से डेगियाँ सारे
भाई जो अस्थियाँ गिरा आया पीछे, इतनी मुश्किल से किसी से ली थी, वही गिरा आया पीछे के पीछे, सारा मूड का कचरा कर दिया भाई। अभी किसी और से मांग के देखते हैं, क्या पता कोई दे दे, कोई दानी महापुरुष। जय श्री राम भाई। सोनू मंद के डेरे में ना काफ़ी ज़्यादा देख लो कितनी ज़्यादा रोड के लगा रखी है भाई डेरे में, सोनू मंद जी ने, सोनू कनौजिया, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पार्टी है भाई अमृतसर की, हनुमान सिन्हा भाई जी। देखो अभी सिस्टम चल रहा है पूरा, भाई युद्ध हो गए यहाँ पे। चोर पकड़ा गया, क्या पकड़ा गया, रावण तो दहन कर दिया भाई, पर अंदर की बुराइयां दहन नहीं हुई अभी तक, अभी भी यहाँ पे चोरी हो रही है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, क्या फायदा हुआ रावण दहन का, फूक के आए थे पुतले, अंदर की बुराइयां तो यही मारते नहीं। गुरुआ चंगा डाया, चंगा बड़ा उठाया भाई, मोबाइल कटा गया है, चोर है गाय, फिर से पैनिया चाहिए, फिर से पैनिया चाहिए भाई, उसको वहां से लेके ना वहां से घसीटते हुए लेके गए हैं, मारते हुए बिल्कुल, दोख से मैं भी छड़ियां बेचे, तेरा भी ना आए नहीं होना, तू असत की गल छी, तू छी है, छी है कि बची छी जरूर। इस बंदे धोखा किया मेरे सर, इसने अस्थियां यहाँ पे छुपा के रखी थी, दिखाई दिखाई भाई, तू धोखेबाज या धोखेबाज, नौटंकी है तू भाई, मैं तब से सोच रहा था अभी किससे मांगे, किससे मांगे, छुपा के रखी थी भाई ने, चलो अच्छी बात है भाई। अभी भाई बाकी नज़ारा आ गया आज व्लॉग का, मतलब दशहरे का काफ़ी अच्छा सिस्टम है यहाँ पे, अभी भी देख लो भाई कितना ज़्यादा क्राउड है, हैवी हैवी क्राउड है, बस ये आज आज का क्राउड है, कल से ऐसे ही सुनसान हो जाएगा फिर से, साल में 12-10 दिन तो भाई यहाँ पे हैवी क्राउड होता है दुर्गा राम मंदिर। अभी नेक्स्ट ईयर फिर से देखेंगे, तब तक के लिए बाय भाई, जय श्री राम।